अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली हसन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने पेन अकाउंट में पाकिस्तानी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि पेन में दो ऑप्शन होते हैं विड्रावल के लिए, विड्रा बाय पेन मास्टर कार्ड और बाय बैंक। तो आपने इस तरह करना है, ऊपर सेटिंग का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस तरह चले जाना है। नीचे आपको बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है इसको। मैंने इस अकाउंट में ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है, मैं अपना दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे मुझे अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है। विड्रॉ बाय बैंक जो उसकी फ़ीस है वो लेस होती है, सिर्फ डॉलर का पीटीआर में कन्वर्जन रेट होता है जो कि बहुत कम होता है। अगर आप विड्रॉ बाय पेयोनियर मास्टर कार्ड करवाएंगे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप विड्रॉ करवाना चाहते हैं पाकिस्तान में तो बैंक अकाउंट के ज़रिए विड्रॉ करवाएँ, क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत कम है, बल्कि है ही नहीं तकरीबन, सिर्फ डॉलर का कन्वर्जन रेट होता है जो कि बहुत कम होता है। पर्सनल अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेना है जिस कंट्री का बैंक अकाउंट है, और फिर नेक्स्ट कर देना है। करेंसी थी वो पीकेआर में रहेगी, अगर आपका पीकेआर बैंक अकाउंट है, ज़ाहिर पाकिस्तान में पीकेआर होगा तो आप पीकेआर कर लेंगे, अगर और हो तो आप करेंसी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, स्विफ्ट, BIC, इस तमाम बिल्कुल सिंपल है। बैंक नेम यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएंगे, वो आपने पाकिस्तान के जितने भी ब्रांचेस हैं उसमें से एक ब्रांच आपने सेलेक्ट कर ली है जिसका आपका बैंक अकाउंट है। सेकंड आपको नज़र आ रहा है ब्रांच नेम, यहाँ पे आपने उस शहर की ब्रांच का नाम लिख देना है। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी ब्रांच है, यहाँ पर लिखा हुआ है अब्बासपुर ब्रांच, तो आप उस शहर की ब्रांच का नाम यहाँ पर सिर्फ आपने वो लिखना है। और थर्ड पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है अकाउंट नेम, अकाउंट नेम यानी कि किस नेम से वो अकाउंट है आपका, जो नाम है वो आपने यहाँ पर दे देना है। और फोर्थ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर आपने IBN में लिखना है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर फॉर्मेट में लिखना है, तो ये आपको आपकी चेकबुक पे मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप को नहीं मालूम, आप गूगल कर सकते हैं, हर बैंक अकाउंट की तकरीबन जितनी भी बैंक अकाउंट्स हैं उनकी वेबसाइट पर आप उन जो IBN नंबर है वो जनरेट करवा सकते हैं। और लास्ट पे आपको स्विफ्ट BIC नज़र आ रहा है, ये ऑप्शंस ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, उसमें से आपने उस बैंक अकाउंट को दोबारा सेलेक्ट कर लेना है, डेट्स इट। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है ये सब कुछ, तो आपने तमाम इन्फो को अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेना है कि सारी इन्फो जो है वो ठीक होनी चाहिए। और इसके बाद आपने एग्री कर देना है टर्म्स एंड कंडीशन से, और टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करने के बाद नीचे एक और आपको ऑप्शन नज़र आई कन्फर्म दी बैंक अकाउंट डिटेल, इसे भी आपने टिक कर देना है। चेक करने के बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने कन्फर्म पेन अकाउंट डिटेल्स करनी है, वेरीफाई करना है कि आपका ही अपना अकाउंट है जो आप बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं, कि आपका ही है, तो इसलिए ये वेरीफिकेशन है पेन अकाउंट की। तो आपने आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देनी है जो कि आपने पेन में दी थी, या जो एक्चुअल में आपकी है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपने पेयोनियर का पासवर्ड देना है जो आपके अकाउंट का पासवर्ड है, और फिर इसके बाद आपने इसे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। बैंक अकाउंट एडेड, वी विल रिव्यू विद इन 3 business days एंड कंफर्म इन एन ईमेल व्हेन यू आर ऑल सेट टू विथड्रॉ। 3 दिन के अंदर अंदर तकरीबन ये बैंक अकाउंट है कन्फर्म हो जाएगा, या एक दिन भी लग सकता है, एक दिन के अंदर भी हो सकता है। तो जब आपका बैंक अकाउंट अप्रूव हो जाएगा आपको ईमेल आ जाएगी, डैट्स इट, बिल्कुल सिंपल है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप किस तरह विड्रॉ करवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।